वसली मोहम्मद वाला आल मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम अच्छा कभी कभी ऐसे होते हैं ना क्रेविंग्स ही होने लगती है कुछ खाने की और बंदा जल्दी से घर में ढूंढता है कुछ अच्छा खाने को है स्पेशली मीठे की क्रेविंग होती है मुझे तो अक्सर होती है और स्पेशली जब आप अपना वेट कंट्रोल कर रहे होते हैं तब तो ज़रूरी होती है मेरा बहुत दिल जा रहा था बकलावा खाने का बकलावा ये एक अरबिकरबिक डिज़र्ट है एक मिठाई है भाई और गल्फ एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है अरबी लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे भी तभी पता चला जब मैं कतर गई और वहाँ पे मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम खाया था शुरू शुरू में तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी फिर आहिस्ता आहिस्ता खाते खाते ज़ाहिर है जब पाकिस्तानी नहीं मिलेंगी मिठाइयाँ तो फिर वहाँ की ही ट्राई करनी पड़ी अच्छा मेरा बहुत दिल चाह रहा था तो इसके लिए शुक्र है ये मुझे पफ पेस्ट्री की शीट्स मेरे घर में पड़ी हुई थी मुझे मिल गई थी इम्तियाज़ से अलहमद और काफ़ी अर्से के बाद ये इम्तियाज़ में जो है ना ये मुझे पफ पेस्ट्री नज़र आई हैं शीट्स ये मैं ले आई थी और इसमें तकरीबन टेन शीट्स होती हैं और अराउंड टू हंड्रेड का ये पैक है अगर आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हो ना आ, मैं ये ले आई थी क्योंकि अब सर्दियाँ आ, आ रही हैं तो कुछ नट्स होने चाहिए अच्छा ये मैंने इसमें बादाम अखरोट पिस्ता ये सब कुछ डाल दिया और अगर आपके पास ब्राउन शुगर है आप वो डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये वाइट जो कॉमन जो हम यूज़ करते हैं ना शुगर वो हमने मैंने डाल दी और साथ में ही इसमें दार का पाउडर डाल दिया हिसाब से थोड़ा सा बिल्कुल क्योंकि हमने ये फिलिंग में डालना है अगर आपने आपने भी ये बनानी है ना तो आप मेरे साथ ये बना सकते हैं मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ और आ, बिल्कुल आराम से जो एक रेसिपी हम घर में ट्राई करते हैं ये वो है कोई आ, स्पेशल इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा बहुत इजी टू मेक है और मेरी अगर आप रेसिपीज़ देखें ना तो मेरी रेसिपीज़ बिल्कुल एक्चुअल रियल होती हैं इसमें कोई ऐसा हेर फेर नहीं होगा क्योंकि आई एम नॉट अ शेफ़ और जो गलती होती है जो आ, सही चीज़ बनेगी वो आपके सामने बनेगी या कोई मिस्टेक होगी तो वो भी ज़ाहिर है मैं आपसे शेयर करूँगी और ये जी ये शीट्स इस तरह से थी और ये फ्रोज़न हुई हुई थी अगर इसको हम थॉ करते हैं ना डीफ्रॉस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल ही हैंडल नहीं हो रही होती तो ये थोड़ी सी फ्रीज ही रहनी चाहिए ताकि इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो इनकी शेप या इनकी फॉर्मनेस रहे सख्त सख्त रहनी चाहिए अच्छा आप इसको अच्छा है कि एक सिलिकॉन या स्टील का होता है ना जैसे ये रोलिंग पिन या बेलन आप वो ले लें ये इससे चिपकेंगे नहीं ये देखें ये सिलिकॉन वाला जो है ना ये कुकीज़ बनाने के लिए ही है मेरे पास रोलिंग पिन और बड़ी आसानी से बन जाता है ये मैट से ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैं उस काउंटर पे अगर फैला देती ना तो ज़्यादा इजी हो जाता है इसको हल्का सा मैंने इस शीट को आ, आ, फ्लैट कर लिया और इसके ऊपर ये एग वॉश कर दिया यानी अंडा लगा लिया ठीक है अंडा लगाने से ये होता है ना कि अच्छा सा कलर आता है अब जो मैंने मिक्सचर ये बनाया हुआ था ना ये कोई मुश्किल नहीं है बेशक बादाम ही हो उससे भी कर सकते हैं सिर्फ पिस्ता ही हो उससे भी कर सकते हैं कोई एक नट ले लें आप बस चीनी के साथ मिला लें और थोड़ा सा दार चीनी का पाउडर और ये आपने ऊपर फैला लेना है। इतना मज़ेदार बनता है बहुत टेस्टी होता है पाकिस्तान में वाकई ये एक्सपेंसिव मिल रहा है इतना एक्सपेंसिव ये है नहीं है लेकिन और हर जगह पे ये बखलावा मिलता भी नहीं है वो तहसीब से मुझे लकीली मिला था और मैं बड़ी खुश हुई थी और इसको ऐसे फोल्ड करते जाएं करते जाएं और कोशिश करिएगा थोड़ा सा सख्त टाइट करके ना इसको फ़ोल्ड करें मैंने इतना ज़्यादा टाइट नहीं किया तो एट दी एंड ये खुल जाते हैं ठीक है थीके? इसको ज़ोर से इस तरह बल्कि एग वॉश एग इतना ज़्यादा लगाइएगा कि वो अच्छे से बंद हो जाए अब आपकी मर्ज़ी आप इसको पहले फ्लैट कर लें या इसको जितने भी पीसेस में आपने करना है अपनी मर्जी से ना अंडा लगाने के बाद या एग वॉश करने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी से इसके पीसेस कर लेने हैं अच्छा जी यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग मेरे बहुत से ऐसे देखने वाले हैं नाइन्टी के करीब ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखते हैं जो लेकिन इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्चुअली इट विल हेल्प मी ग्रोइंग फास्टर और इसको ये ओवन में मैंने रख दिया आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं धीमी आंच पे जैसे मैंने आपको बताया था ना पिज़्ज़ा जैसे मैं बनाती हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है आप पैन में बस इसको रख दें अपनी स्टीमर के ऊपर और या कोई भी रैक लेके उसके ऊपर रख दें और आधा घंटा छोड़ दें बन जाएगा वरना यह है कि फोर्टी मिनट तक की बन जाएगा आप इसको देखती रहें अच्छे सा कलर आ जाएगा अच्छा वहाँ पे मैंने ओवन में वन एटी पर रख दिया आधे घंटे के लिए अब यहाँ पे शीरा बना लेते हैं या शुगर सिरप दो कप चीनी एक कप पानी सिंपल हिसाब और ये है कि इसको डिज़ोल्व करना है चीनी को और जब तक ये डिज़ोल्व होती है अच्छा कोई इसमें एक तार दो तार नहीं होता बस देख लो खुद ही कि जब गाढ़ा होने लग गया ना तो इसका मतलब है कि शीरा बन गया और आपको पता ही है कि शीरे में हम नीमू ज़रूर डालते हैं ताकि वो दोबारा से उसकी चीनी की क्रिस्टल्स ना बने और केवड़ा डाल दें या रोज़ वाटर डाल दें सिंपल ये आपका बकलावा के लिए शीरा बन जाएगा या जिसको शुगर सिरप कहते हैं वो रेडी हो जाएगा अच्छा आज बहुत काम करने को थे आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे ममटी क्लीन करनी थी और ममटी क्लीन करना कोई इतना आसान नहीं था क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती ना वो मैं ममटी पे रख देती हूँ जैसे अभी एसी तो लगा हुआ है लेकिन साथ में रूम कूलर भी है तो रूम कूलर उठा के मैं रूम का जो है वो मैंने उसको खाली करके साफ़ सुथरा करके उसको पूरा खोलती हूँ उसको खाली करती हूँ साफ़ करती हूँ अच्छी तरह से धूप में सुखाया उसको अंदर से और उसके बाद फिर मैंने उसको उठा के मैं लेके गई और काफ़ी हैवी होता है काफ़ी बड़ा है वो बड़ी मुश्किल से मैं लेके जाती हूँ ममटी पे लेके गई वहाँ रखा और रिचार्जेबल फ़ैन भी वहाँ पे बिल्कुल मैंने डिसम्बल करके वहाँ पर रख दिया और इसलिए भी वहाँ पर ज़्यादा काम था ना ममटी पर क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी जो कारपेट्स उठाई हुई हैं वो भी वहाँ पे रखी हुई हैं तो उन्होंने भी बेशक फोल्ड करके रखी है लेकिन काफ़ी एरिया कवर किया हुआ है किसी दिन मैं आपको वहाँ का भी जो है वो टूर कराऊँगी दिखाऊँगी वो एक्चुअली मम्मी मेरा पूरा स्टोर रूम बन चुकी है अच्छा ये देखें मेरे पास ना रोज़ वाटर इस वक्त नहीं था मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाल दिया और ये शीरा अच्छे से तैयार हो चुका था अच्छा आपने ना अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इतनी आसान आसान मेरी चैनल पे रेसिपीज़ भी मौजूद हैं और लेकिन उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं बहुत ही ईजी टू मेक होती हैं मेरी और बहुत क्विक रेसिपीज़ होती हैं मैं कोई इतनी हार्ड या वो ऐसी रेसिपीज़ नहीं बनाती जो इन्ग्रीडियंट्स हमारे पास ना हों और दिल चाहता है ना कभी कभी ऐसी वैसी चीज़ें खाने को यानी मिठाइयाँ खाने को और आप उसको इजीली इस तरह से घर में भी बना सकते हैं कोई इतनी मुश्किल नहीं है बेसिक चीज़ें ये सारी मेरा ख्याल है घरों में मौजूद ही नहीं तो मौजूद ही होती है शीट ये है कि आप ले आइएगा और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे इम्तियाज़ से मिल गई थी इम्तियाज़ से इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल आप फाइलो शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं वो भी ईज़ीली अवेलेबल होती हैं किसी भी अच्छे मार्ट से या न, 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 सुपर स्टोर से आप जाके ये ले सकते हैं अच्छा ये यहाँ पर मैंने देखा तो काफ़ी हद तक ये बन चुकी थी हाँ कलर बहुत प्यारा आ गया था वो देखे एंड वाले जो हैं वो क्यों खुल चुके हैं क्योंकि उसको मैंने टाइटली बंद नहीं किया था शुरू वाले इसलिए आ, सही ज़बरदस्त पैक थे क्योंकि उनको मैंने एग से अच्छी तरह से रोल कर दिया था और आपने भी अच्छी तरह बंद करना वरना वो देखिए आपके भी खुल जाएंगे अब स्टार्ट वाले देखिए वो कितने अच्छे लग रहे हैं अब यहाँ पे मैं शीरा डालने की कोशिश कर रही थी चाहे आपको दिखाने के लिए डालना था तो वो उल्टा हाथ करके डाल रही थी यकीन करें बड़ी मुश्किल से डाला था और मुझे ये भी लग रहा था ये ना हो कि सारे का सारा शीरा जो है वो इसके ऊपर गिर जाए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ शीरे को इसलिए मैंने इसमें ये मेयरिंग कप में डाल दिया ना शुगर सिरप को पोर करने में आसानी रहती है उसको डालने में आसानी रहती है बहुत ही अच्छा बकलावा बना था और बहुत ही टेस्टी बकलावा बना था इसमें कोई इतनी मेयरमेंट्स नहीं है कोई इतनी चीज़ें नहीं हैं बस सिंपल आपने शीट्स लेनी है और उसके अंदर नट्स डालें और अंडा लगाएं और थोड़ी सी चीनी और अगर दार पाउडर है वो डाल दें वरना ये है कि आप इसमें इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं इट्स अप टू यू और ये बन गया बकलावा और आप यकीन करें रूह तक को सुकून मिल गया क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था बकलावा खाने को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाना अपना ख्याल रखिए खुश रहिए खुशियाँ बाँटते रहिए और अपना के साथ रहिए